हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एमसीक्यू अड्डा दिस इज़ पार्ट फोर्थ ऑफ द चैप्टर एवरेज इससे पहले हम तीन टॉपिक्स जो है इसके तीन पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं जिसमें कि हमने पहले बेसिक्स दूसरे वाले में मैंने जो है एडिंग कॉन्सेप्ट बोला कि जब कोई मेंबर ऐड होता है उसके बाद जो है रिमूवल वाला कल जो अपलोड हुआ अगर कोई बंदा जो है चला जाए और आज है रिप्लेसमेंट अगर एक बंदा आएगा और एक बंदा जा रहा है ठीक है सो so, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए वीडियो लेक्चर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बोलिए कि हमारे लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जो है अभी ऐड नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए वहाँ पे जो है अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं और इस लेक्चर्स के पी भी जो है वहाँ पे अवेलेबल होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ कल के जो लेक्चर जो पार्ट थ्री था एवरेज का उसमें एक क्वेश्चन था कि 11 इनिंग्स के बाद जो है बैट्समैन की एवरेज कुछ है नहीं दी थी फिर ट्वेल्थ इनिंग के बाद उसने नाइन्टी रनस किए थे और थर्टीनथ इनिंग के बाद जो है पूछी गई थी तो और ये बोला गया था कि एवरेज जो है फाइव डिक्रीज हुई जब उसने नाइन्टी रनस किए तो मैंने इसमें छोटा सा एरर किया था देखिए जब वो नाइन्टी रनस करेगा और उसकी एवरेज कम होगी मीन्स उसकी एवरेज पहले नाइन्टी से ज़्यादा थी राइट कितनी ज़्यादा थी पाँच का नुकसान हुआ है और इनिंग्स कितनी है ट्वेल्व मीन सिक्सटी का नुकसान हुआ है राइट right? सो so 90 प्लस सिक्सटी होता है 150 फिफ्टी right? राइट और 150 जो पहले वाली एवरेज थी यही है तो माइनस फाइव हुआ है नुकसान हुआ है तो 145 इसका आंसर हो जाएगा ठीक है मैंने 25 लिखवाया था मैंने 90 माइनस सिक्सटी कर दिया था सो so, ये चीज़ जो है आप एरर निकाल दीजिएगा ये कल वाले लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन दिखाया था जिसका कि पी मैंने जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ था और थैंक यू वेरी मच उस स्टूडेंट के लिए जिसने ये एरर जो है मुझे बोला है क्योंकि लेक्चर तो बहुत सारों ने देखा था लेकिन जब आप अटेंटिव होते हैं क्लास में तो ओबियसली आपको एरर्स जो है दिख जाते हैं चले आज का जो है कॉन्सेप्ट देखते हैं देखिए इससे पहले जो कॉन्सेप्ट हमने देखे कि वही फैमिली ले रहा हूँ मैं ठीक है पहले हमने देखा कि एक बंदा ऐड हो रहा है ठीक फिर हमने देखा कि बंदा चल चला जो है छोड़ के जा रहा है और आज हम देखेंगे रिप्लेसमेंट मींस एक बंदा जा रहा है और एक बंदा आ रहा है ठीक है देखिए 40 इनकी एवरेज थी फॉर एग्ज़ाम्पल ई बोल रहा है कि मैं छोड़ के जाऊँगा फैमिली और एफ़ बोल रहा है कि मैं ज्वाइन करूँगा सो so ई e के बदले जो है एफ़ ज्वाइन करेगा रिप्लेस करेगा तो ई e जो है ये एटी थ्री थाउजेंड कमाता था और एफ़ जो कि आ रहा है ये भी एटी थ्री थाउजेंड कमाता है तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा अगर ये आपस में एक्सचेंज होंगे बिल्कुल नहीं क्योंकि ये भी एटी थ्री थाउजेंड कमाता था और जो रिप्लेस हो रहा है वो भी एटी थ्री थाउजेंड कमाता है ठीक है सो इसमें आपने एक चीज़ जो है याद रखनी है और ध्यान रखना है एक चीज़ का इसमें आप एवरेज को नहीं देखोगे इसमें आप उन दो पर्सन को कंपेयर करोगे जो कि रिप्लेस हो रहे हैं एक जो जा रहा है और एक जो ज्वाइन कर रहा है उनमें जो जाने वाला है या जो आने वाला है तो आने वाले से कितना फ़ायदा हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है आपको वो देखना है वो कंपेयर करना है आपको इसमें एवरेज के साथ जो है कंपेयर नहीं करना चले आगे बढ़ते हैं अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एफ नया बंदा आ रहा है ये एटी एट थाउजेंड कमाता था जाने वाला तो ऐटी थ्री थाउजेंड ही कमा रहा था ना तो आने वाला एटी एट थाउज़ेंड कमा रहा है मीन्स प्लस फाइव पाँच हज़ार जो है ये एक्स्ट्रा कमा रहा है तो पाँच हजार जब एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो वो कितने लोगों में बटेंगे पाँच लोगों में क्योंकि इसमें मेंबर कामयाब ज़्यादा तो होगा ही नहीं रिप्लेस हो रहा है एक आ रहा है एक जा रहा है तो पाँच हजार का फायदा पाँच में बटेगा मीन्स हर किसी को एक हज़ार का फायदा होगा तो एवरेज भी जो है 40 से 41 वन हो जाएगी ठीक है अब अगर मैं ये मानूं कि ये एट्टी एट नहीं है ये यहाँ पर 78 एट है तब क्या होगा अब जाने वाला जो है वो एट्टी थ्री थाउजेंड कमा रहा है और आने वाला सिर्फ़ सेवेंटी एट थाउज़ेंड कमा रहा है मीन्स उस बंदे से पाँच हज़ार वो कम कमा रहा है जो जाने वाला है तो पाँच हज़ार का नुकसान हो रहा है ग्रुप को और वो ग्रुप जो है पाँच मेंबर्स का है तो नुकसान पाँचों जे ना तो एक हज़ार का नुकसान हो गया तो एवरेज चालीस से उनतालीस हो गई ठीक है तो ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं आपको जो है और अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाएगी ठीक है चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन द एवरेज वेट ऑफ एट मैन इज इंक्रीज बाय 1.5 पॉइंट फाइव के जी वैन वन ऑफ द मैन हुज वेट इज सिक्सटी फाइव के जी इज रिप्लेसड बाई ए न्यू मैन द वेट ऑफ न्यू मैन इज देखे एट मैन है इनकी एवरेज कुछ है हमें नहीं पता नहीं दिया है अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनमें से एक 65 फाइव के जी वाला जो है वो जा रहा है और उसके बदले एक बंदा आ रहा है जिसकी वजह से डेढ़ के जी जो है एवरेज में इंक्रीज़ हुआ राइट right? तो डेढ़ के जी इंक्रीज़ हुआ कितने मेंबर्स में आठ मेंबर्स में तो वो कितना हुआ 12 मीन्स 12 के जो है एक्स्ट्रा वो बंदा ला रहा है जो कि आ रहा है किससे जो कि जा रहा है उससे 65 वाले से जो आने वाला बंदा है वो 12 के एक्स्ट्रा ला रहा है यही तो है ना इसका मतलब तो उसका वेट कितना होगा 65 फाइव प्लस ट्वेल्व सेवेंटी राइट अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर देता हूँ हमें नहीं पता डेढ़ के जी है यहाँ पे और हमें ये बोला है कि आने वाला जो बंदा है जो कि रिप्लेस कर रहा है उसका वेट सेवेंटी सेवन है और जाने वाला जो है वो सिक्सटी फाइव वाला है तो गेन कितने का हो रहा है बारह का और ये बारह वाला गेन जो है ये कितने लोगों में बटेगा आठ लोगों में तो कितना हुआ वो मीन्स हर किसी को डेढ़ के जी का फायदा होगा राइट यही क्वेश्चन यही क्वेश्चन ने वहीं से दिया तो सिंपल था ये चले आगे देखते हैं अब देखिए और एक क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ एट पर्सन इज इंक्रीज बाई टू पॉइंट फाइव के जी वैन ए पर्सन हुज वेट इज सेवेंटी सिक्स के जी रिप्लेसड बाई अ मैन फ्रॉम द ग्रुप द वेट ऑफ द मैन रिप्लेसड इज देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन सेम है लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा है क्वेश्चन बोल रहा है कि आठ बंदे हैं ठीक है इनकी एवरेज या एवरेज वेट जो इंक्रीज हुआ है वो है ढाई के जी पर पर्सन ठीक एवरेज इंक्रीज हुई है लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आने वाला बंदा है उसका वेट सेवेंटी सिक्स है ठीक है वेन ए पर्सन हूज वेट इज सेवेंटी सिक्स के जी रिप्लेसड बाई ए मैन फ्रॉम द ग्रुप मीन्स जो आने वाला बंदा है उसका वेट सेवेंटी सिक्स है हमें पूछा गया है जाने वाले बंदे का तो क्वेश्चन ध्यान से पड़ेगा अब देखिए जो आने वाला बंदा है उसका वेट है सेवेंटी सिक्स ठीक और जो ये आने वाला बंदा है समझिएगा क्वेश्चन को क्वेश्चन ने ये बोला है कि जो आने वाला बंदा है वो सेवेंटी सिक्स के है उसने एक बंदे को रिप्लेस किया जिसका वेट हमें नहीं पता लेकिन इंक्रीज़ हुआ है टू पॉइंट फाइव के से एवरेज तो एवरेज कैसे इंक्रीज़ होगी मींस ये जो है ये बंदा इसका वेट ज़्यादा है कितना ज़्यादा है 2.5 का फायदा लेके आया है ये और वो आठ में बटेगा ठीक तो कितना हुआ ये ट्वेंटी मीन्स ये ट्वेंटी के जी उससे ज्यादा है जो कि बंदा जा रहा है तो सेवेंटी माइनस ट्वेंटी मीन्स फिफ्टी सिक्स तो जो बंदा जा रहा है उसका वेट फिफ्टी सिक्स था समझ में आया देखिए फिर से समझाता हूँ बिल्कुल सेम वाला ये क्वेश्चन है जो पिछला वाला था लेकिन डिफरेंस इतना है कि उसमें इसका वेट पूछा था और इस वाले में जो है जो रिप्लेस होने वाला है उसका वेट पूछा है क्वेश्चन ने बोला कि 76 सिक्स वाला बंदा एक जब जो है ग्रुप में आ रहा है तो उसकी वजह से ढाई के जो है एवरेज में इंक्रीज़ हुआ हमें बोले जो बंदा जो रिप्लेस होने वाला है उसका वेट बोले तो 76 सिक्स वाला जब आएगा और इंक्रीज़ हो रहा है ढाई के जी वो रिप्लेस वाले बंदे से तो ज़्यादा ही था ना कितना ज़्यादा था ढाई के जब हर किसी के हिस्से में आए तो ढाई के कितने परसेंट्स है आठ परसेंट्स मीन्स वो ट्वेंटी के एक्स्ट्रा लाया है तो ट्वेंटी के वो ज़्यादा है इससे तो सेवेंटी माइनस ट्वेंटी फिफ्टी सिक्स ठीक है चले आगे द एवरेज एज ऑफ एट परसन इन ए कमिटी इज इंक्रीज बाई टू ईर्स ठीक वैन द टू मैन एज थर्टी फाइव एंड फोर्टी फाइव आर सबस्ट्यूट बाई टू वूमेन द एवरेज एज ऑफ दिस टू वूमेन इज देखिए सिम्पल क्वेश्चन है फिर से आठ बंदे हैं और इसमें जो है इंक्रीज दो साल हुई है एवरेज जब दो मैन एक की पैंतीस वेट है सॉरी एज है और एक की पैंतालीस है जब उन्होंने रिप्लेस की दो वोमेन राइट तो हमें पूछा है एवरेज वेज वेट ऑफ दीज वूमेन या एवरेज एज ऑफ दीज वूमेन, राइट तो देखिए जब आठ बंदे ये टोटल हैं तो जब ये दो आई और इंक्रीज़ हो रहा है मीन्स ये इनसे तो एक्स्ट्रा ही ला रहे हैं ना कितना एक्स्ट्रा ला रहे हैं अगर हर किसी के हिस्से में दो बढ़ रहे हैं तो टोटल है एट मीन्स सिक्सटीन मीनस सोलह साल जो है या सोलह के जी आप मान लीजिए एक्स्ट्रा ला रहे हैं ये ये दो वुमेन्स किन से इन दो से तो इनका टोटल कितना है एटी राइट right? तो 80 प्लस सिक्सटीन कितना हुआ 96 मतलब ये दो वुमेन जो है ये 96 सिक्स है क्योंकि ये 16 एक्स्ट्रा ला रहे हैं इन दोनों से जिनका वेट 80 है तो अब इसका आंसर 96 नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इसने एवरेज एज पूछी है दोनों वुमेन की तो एवरेज एज क्या होगी 96 इनका टोटल वेट है रेट वेट अ सेकेंड 96 इनका टोटल वेट है और ये दो हैं तो डिवाइड बाय टू मीनस 48 ठीक है चले आगे देखते हैं क्वेश्चन द मीन ऑफ देखिए मीन और एवरेज एक ही बात होती है कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है द एवरेज या द मीन ऑफ हंड्रेड आइटम्स वाज फाउंड टू बी थर्टी ठीक है भाई थर्ट सो आइटम्स का मीन थर्टी है एड इफ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन टू आइटम्स वी रॉन्गली टेकन थर्टी टू एंड ट्वेल्व थर्टी टू और बारह लिए गए इंस्टड ऑफ़ ट्वेंटी थ्री और इलेवन तो करेक्ट मीन बोलिए देखिए सिंपल है हमने लिया है थर्टी टू और ट्वेल्व लेकिन लेना था हमें ट्वेंटी थ्री और 11। तो हम इनको इंडिविजुअली भी देख कंपेयर कर सकते हैं या इनका सम भी कंपेयर कर सकते हैं कि हमने कितना एक्स्ट्रा लिया है देखिए 32 आ, अगर हम इंडिविजुअली देखें 32 हमने 32 लिया है 23 के बदले तो हमने कितना एक्स्ट्रा लिया है नाइन और हमने ट्वेल्व लिया है इलेवन के बदले तो हमने एक एक्स्ट्रा लिया है मींस टोटल हमने एक्स्ट्रा लिया है टेन ठीक तो हम कितना माइनस करेंगे टन कितने पे हंड्रेड पे टोटल हंड्रेड है तो यह होता है वन बाई टेन माइनस वन बाई टेन या पॉइंट वन यही तो है ना ज़ीरो पॉइंट वन तो पुराना मीन कितना है थर्टी तो नया कितना होगा फिर थर्टी माइनस जीरो पॉइंट वन तो ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन ठीक है चले आगे देखते हैं द मीन ऑफ थर्टी आइटम्स वाज वॉज फाउंड टू बी ट्वेंटी ठीक है इफ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन टू आइटम्स व्यू टेकन एज ट्वेंटी सिक्स एंड सेवेंटी सिक्स इंस्टिड ऑफ सिक्सटी सिक्स एंड फिफ्टी सिक्स द करेक्ट मीन इज देखिए सेम क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे कॉमेंट्स में चाहिए पॉज करके इसका आंसर दीजिए क्योंकि इसके आगे वाला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम है और ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है तो मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट्स में या या टेलीग्राम ग्रुप पे ठीक है अगर आप सीख रहे हैं अगर आपको समझ आता है तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है मैंने इससे पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल ये उसी पैटर्न पर है ठीक है इसलिए ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊँगा चले आगे <clears throat> द एवरेज ए मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ ए क्लास ऑफ ट्वेंटी फोर स्टूडेंट्स आर फिफ्टी सिक्स चौबीस स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स है फिफ्टी सिक्स ठीक है इफ़ द मार्क्स ऑफ थ्री स्टूडेंट्स वे आर मिस रीड एज फोर्टी फाइव फोर्टी फोर और सिक्सटी वन तीन बच्चों को मिस रीड किया गया है फोर्टी फोर फोर्टी फाइव और सिक्सटी वन ऑफ द एक्चुअल मार्क्स 48, 49 और 67 सेवन रेस्पेक्टिवली ठीक है देन वाट विल बी कॉरट एवरेज देखिए फिर से वही क्वेश्चन है इन तीनों का सम करना है इन तीनों का सम करना है देखना है हमें फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है नुकसान कितना हुआ है उसको डिवाइड करना है टोटल से और वो उतार लेना है इसमें से देखिए मैं दिखा देता हूँ हमने 44 से लिया है 48 हमें लेना क्या था फोर्टी एट लेकिन हमने लिया क्या है फोर्टी फोर तो माइनस फोर राइट फोर्टी फाइव से हमने लिया है फिफ्टी नाइन तो फिर से ज़्यादा लिया है कितना हमने लिया ज़्यादा फोर्टीन ठीक और सिक्सटी वन हमें लेना था हमने सिक्सटी सेवन लिया है कितना लिया ज़्यादा कितना लिया है भाई सिक्स मीन्स टोटल हमने कितना ज़्यादा लिया है फोरटीन और सिक्स ट्वेंटी और फोर ट्वेंटी फ़ोर ट्वेंटी फ़ोर हमने ज़्यादा लिया है तो ट्वेंटी फ़ोर हमें कम करना है कितने स्टूडेंट्स पर ट्वेंटी फ़ोर स्टूडेंट्स पर तो हर किसी में कितना नुकसान होगा माइनस वन का पहले कितनी थी फिफ्टी सिक्स अब कितनी होगी फिफ्टी फाइव राइट right? फिर से समझाता हूँ एक बार देखिए हमने हमारी 56 है एवरेज 24 बच्चों की हमने जो है तीन स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है एरर किया है लिखने में हमने 44 लिखा है हमने 45 लिखा है और 61 लिखा है जबकि हमें लिखना था 48 फिफ्टी नाइन और सिक्सटी सेवन ठीक है एक्चुअल मार्क्स ये है ना और ये हमने लिखा है तो हमने कितना काम लिखा है राइट मिस रीड एज ये ऑफ द एक्चुअल मार्क्स ये ठीक तो हमें लिखना ये है लिखा कितना था हमने ये तो यहाँ पे कितना फर्क है चार का यहाँ पे चौदह का फर्क है और यहाँ पे सिक्स का फ़र्क है टोटल कीजिए तो चौबीस का फ़र्क आता है राइट तो चौबीस का फ़र्क है तो कितने स्टूडेंट्स पर चौबीस स्टूडेंट्स पर तो एक जो है इसमें डिक्रीज़ हो जाएगा तो उसका आंसर रहेगा फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव नहीं, सॉरी नन ऑफ दीज क्योंकि फिफ्टी सिक्स था हमारा एवरेज और हमने जो है कम लिया है लेना ज़्यादा था ठीक है हमने कम लिया है लेना हमने ज़्यादा था तो एवरेज इंक्रीज हो जाएगी 57 हो जाएगी सॉरी 55 से नहीं 57 हो जाएगी एवरेज ठीक है तो नान ऑफ दिज इसका आंसर है चले आगे देखते हैं देखिए वाला क्वेश्चन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वनसडे वॉज थर्टी देखिए मंडे ट्यूसडे और वेंसडे का जो है वो थर्टी डिग्री है एवरेज एंड डेट ऑफ ट्यूजडे वे एंड थर्सडे वॉज थर्टी फाइव ट्यूजडे वे और थर्जडे का है थर्टी फाइव इफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे इज थर्टी टू अगर टेम्परेचर मंडे को थर्टी टू है तो थर्सडे का पूछा है देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड पूछा है जब थर्जडे मंडे को रिप्लेस करेगा देखिए ये दो तो सेम है ना अगर मंडे को हम बाहर निकालें थर्सडे को इन कर दें तो यही वाला बनेगा ना तो थर्सडे जब रिप्लेस करता है मंडे को तो इंक्रीज़ होता है पाँच डिग्री का एवरेज पाँच डिग्री का एवरेज, एवरेज इंक्रीज़ होता है तो टोटल कितने हैं मींस फिफ्टीन डिग्री एक्स्ट्रा आते हैं फिफ्टीन डिग्री उसने एक्स्ट्रा लाए हैं थर्सडे ने किस से मंडे से मंडे का इसने दिया हुआ है थर्टी टू तो थर्टी टू प्लस फिफ्टीन राइट कितना होता है फोर्टी सेवन आया समझ चले ये था आज का कॉन्सेप्ट जो कि रिप्लेसमेंट था रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट अब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बचा है जो है एज पे जिस पे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो कल कंप्लीट कर लेंगे और इसके साथ ही जो है आपका एवरेज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको एवरेज के क्वेश्चन जो है टेलीग्राम ग्रुप में जो है पोस्ट कर दूँगा ठीक है चले पेशेंसली सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू वेरी मच